हाय गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या मैं लाइव आ चुका हूँ जो मैं एक बार बता दीजिए ताकि मैं शुरुआत कर सकूँ आज के बहुत ही ऑसम से सेशन की हमारे। राइट, फटाफट बता दीजिए क्या मैं लाइव आ चुका हूँ। आई थिंक सो मैं लाइव आ चुका हूँ। मुझे ऐसा फील आ रहा है बेटा, मुझे ऐसा फील आ रहा है। बहुत ज़्यादा भारी बुक थी बेटा, ये भारी बुक को मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसा थक गया था लाते लाते तो रखा और अभी यहाँ से बोला खास लूंगा, समझे। अभी आया मैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। आ जाएंगे, शुरुआत करेंगे आज के बहुत ही औसम से सेशन की बेटा। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपका। आज का हमारा सेशन है सीए फाउंडेशन लॉ का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग करने वाले रिवाइज। ध्यान रखिएगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होने वाला है बेटा, रिवाइज होने वाला है आज इस पर्टिकुलर सेशन में। अगर मैं बात करूँ तो मेरा नाम है सी इंद्रेश गांधी, मैं टीचर बाय पैशन एंड चार्टर्ड बाय प्रोफेशन, और मैं आपको लॉ और ऑडिट सिखाता हूँ बेटा। अगर मैं आपके साथ बात करूं, इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट जाइए इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है बेटा। और यहाँ पे अगर आप टेलीग्राम पे जाने के बाद आप सर्च करते हैं अनअकैडमी सीए फाउंडेशन, तो आपको जो ग्रुप मिलेगा जिसके अंदर करंटली बेटा आज की अगर मैं बात करूं तो 10 जुलाई को 17,000 से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। अगर बात करेंगे हम लोग अनअकैडमी के कंटेंट की, तो यहाँ पे आप लोग फ्री कंटेंट यूट्यूब और स्पेशल क्लास की मदद से आप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो। यूट्यूब मतलब आपका अपना चैनल अनअकैडमी सीए फाउंडेशन प्रो, और अगर मैं बात करूं स्पेशल क्लास मतलब वो सारी क्लासेस जो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर होती है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, हर शाम को 7:30 बजे, हर शाम को 6:30 बजे, नॉट 7:30, 6:30 से 7:30 तक हमारा क्या होता है बेटा, स्पेशल क्लास होता है, जिसके ऊपर मैं आपको बताऊं जुलाई वाले बच्चों के लिए मैं सीए फाउंडेशन का महा रिवीजन लाने जा रहा हूं आज से। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को कंप्लीट करेंगे 5 घंटे के अंदर। मतलब आप समझिए, नवंबर वालों आप भी आ सकते हो आज लोग, और आज तो आप आ ही सकते हो ना, आपका भी यूनिट 1 और कंसीडरेशन तो अच्छा खासा हो ही चुका है आधा, तो आप बिल्कुल आज आ सकते हो। तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि कौन से लेवल पे अब हम लोग पहुंच चुके हैं कि हम लोग इतना फास्ट भी रिवाइज कर पा रहे करके। राइट, तो ऐसे इसमें आज ये क्लास कब होने वाला है, आज ये क्लास बेटा 6:30 बजे होने वाला है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर होने वाली है। ये चीज एकदम जोरदार, एकदम जानदार, एकदम जबरदस्त, समझे बात को, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में आपको पढ़ना है तो प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस के अंदर लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, सारी चीजें मिलती है। सेम चीजें आइकॉनिक के अंदर होती है, उसके अलावा टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, ये सब चीजें मिलती है। प्लस हो या आइकॉनिक, कोड एक ही लगना चाहिए, इंद्रेश या आईजी सर करके। जब जब आप इंद्रेश या आईजी सर का कोड लगाते हैं आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, विच इज ट्रेंडिंग ऑन अनअकैडमी ऐप, आपको डिस्काउंट मिल जाता है। IG10 मेरा कोड नहीं है, आईजी सर और इंद्रेश मेरा कोड है, अगर मैं आपको एक चीज बतवा दूं तो। ठीक है, आप अपनी ऑसम बाहुबली टीम के साथ तो पढ़ ही सकते हो, बाकी इंडिया के बहुत सारे एजुकेटर्स भी होते हैं जिनसे आप लोग पढ़ सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एकदम जबरदस्त रिवीजन से। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा बात को मित्रों, सुन लीजिएगा बात को, अच्छे से सुन लीजिए बात को। रिवीजन को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज बतवा देना चाहता हूं, मैं चैट बॉक्स को बार बार नहीं देखूंगा। अगर चैट बॉक्स में कभी कभार कोई आ जाता है बेटा, आप समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो हड़कंप मचा रहा है बेटा चैट बॉक्स में, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको आप अपनी तरफ से रिपोर्ट कर दीजिएगा, बाकी सात्विक भाई देख लेंगे, बाकी सात्विक भाई तो अलर्ट रहते ही है बैकहेंड में। ठीक है, तो ऐसे इसमें बस याद करना, दिल से याद करना, सात्विक भाई ब्लॉक करेंगे उन्हें, समझे बात को, बहुत बढ़िया। अगर दूसरी बात मैं आपसे कहूँ बेटा, तो आपके पास इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल होना चाहिए, अगर वो है तो आपके पास मेरे भौकाल नोट्स होने चाहिए। अब दोनों में से कोई भी एक चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के रिवीजन के लिए, और इसमें हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको पढ़ाते हुए, ध्यान रखना ये रिवीजन कॉन्सेप्चुअल रिवीजन टाइप होगा, जिसमें मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा और जिसके आगे मैं आपको आगे चीजें भी फास्ट करवाऊंगा। ठीक है, 10 बजे तक ये सेशन होने वाला है सर, नवंबर के लिए, कि जुलाई के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको सिंपल से एक चीज बता दूं, रिवीजन तो रिवीजन होता है बेटा, नवंबर वालों के लिए हुए कि जुलाई वालों के लिए हुए। ठीक है, तो वैसे तो ये सेशन जुलाई नवंबर वालों के लिए पूरा, जुलाई और नवंबर दोनों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, समझे आप बात को। हाँ चलिए आएंगे, ध्यान दीजिए, सुनिए बात को, मैं आपके साथ आज करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात वो है बेटा, कौन सा इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसे हम लोग कहते हैं गोट, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा बात को, आपके साथ अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करते हुए चलना, पहले ही बता रहा हूं मैं आपको एकदम मन लगा के कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि चीजें खत्म हो जाएंगी दनादन, और ऐसा ना हो कि हमें हवा तक नहीं लगी करके। ठीक है, आ जाइए,
आप जानते हो बेटा, समझना बात को, हर एक चीज के लिए ऑलमोस्ट बेटा क्या होते हैं, एक स्पेशल एग्स बनाए जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ तो चीजें छूटने वाली है ना, तो इसलिए सब लोग क्या बोलेंगे, हमको क्या होना बेटा, हमको जनरल एक्ट होना। ध्यान रखिए हमको क्या होना, हमको जनरल एक्ट होना, समझे आप बात को। अब जनरल एक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहां पे एप्लीकेबल होता है, सबसे पहला सेक्शन नंबर 1 चीख चीख के कह रहा है बेटा, याद करना जब मैंने सेक्शंस का आपको कीर्तन करवाया था। नेक्स्ट कीर्तन द्वितीय अंश आने वाला है बेटा, कीर्तन का कब आने वाला है द्वितीय अंश, आने वाला है मंडे को रात को 9 बजे, तो सब लोग पहुंच जाएंगे बेटा बाबा की कृपा में, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। और इस बार हमने सोचा है कि कोई घाट वाट पे हम लोग बढ़िया पैकी जमाएंगे बेटा, यमुना जी का तट हो या गंगा जी का तट हो और उसके ऊपर बैठ के हम लोग रिविजन करें तो ज्यादा मजा आ जाए, क्या लगता है आपको? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, सुनिएगा बात को, मैं आपसे कहना चाहता हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करूं तो सेक्शन नंबर 1 कहता है बेटा, सेक्शन नंबर 1 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 1 कहता है कि अगर, सुनना, अरे सुन लो, सुनना बात को, सेक्शन नंबर 1 कहता है कि पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ध्यान रखना जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूड होते हैं बेटा। और अगर मैं बात करूं तो लैंड तो कवर होता ही है, लैंड तो कवर होता ही है, इसके साथ साथ और क्या क्या चीजें कवर होती है कोई मुझे बता सकता है क्या? ऊपर चलने वाली हवा भी कवर होती है बेटा, समझे बात को। और 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स मतलब 19.6 किलोमीटर तक पानी भी कवर होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1947 में आपको आजादी मिली थी बेटा, लेकिन उससे पहले ये एक्ट आया था तो प्रोविजनल असेंबली बनाई गई और प्रोविजनल असेंबली के तहत ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे इंडिया में क्या हुआ बेटा, हमारे इंडिया में इसे लाया गया। मैं अगर बात करता हूं यहां पे आपके साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताऊं ये इनफोर्स आया बेटा 1 सितंबर 1872 को, वैसे बनाया गया था, देखो बन ठन के बेटा, बन ठन के समझ गए, बन ठन के बेटा वो रेडी बैठा था 25 अप्रैल को कि मेरे को जाने दो स्टेज के ऊपर मेरे को, लेकिन अपन ने क्या बोले, नहीं नहीं पहले दुल्हन आएंगी, और दुल्हन ने कब भैया कहा कि आऊंगी करके 1 सितंबर 1872 को, तो 1 सितंबर 1872 को इन्फोर्स हुआ स्टेज पे 1 सितंबर 1872 को, लेकिन रेडी कब हो गया था 25 अप्रैल को, एनैक्ट कब हो गया था 25 अप्रैल को 1872 को रेडी हो चुका था। इट एक्सटेंड टोल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एक होता है जनरल क्लॉजेस सेक्शन 1 टू लेके सेक्शन 75 में जनरल क्लॉजेस होते हैं, और सेक्शन नंबर 124 से 238 के कौन से होते हैं, स्पेसिफिक क्लॉजेस होते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, सुनना मेरी बात, मैं आपसे कहना यह चाहता हूं सर बीच के सेक्शन कहां गए, तो बीच के सेक्शन से ही तो सोगा और पार्टनरशिप एक्ट बन गया, पहले सोगा और पार्टनरशिप एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फॉर्म हो गया था, लेकिन अब वो बच्चे इतने बड़े हो गए थे कि उन्हें कहा कि एक काम करो तुम अपना सेपरेट घर ही संभालो यार, हमसे नहीं झेला जाएगा, हमसे नहीं झेला जाएगा तुमको, समझे हाँ, तो बीच के सेक्शन गायब कर दिए गए और उनको एक सेपरेट एक्ट दे दिया गया बेटा। फिर मैं बात करता हूं व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट करके, आखिर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कौन है ये, क्यों है ये, तो मैं आपके साथ बात करूं सेक्शन नंबर 2H आता है जो कहता है एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपको एक चीज समझ गई कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो चीजों का होना, दो चीजों का समावेश होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहला एग्रीमेंट और दूसरा एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अगर मैं आपके साथ बात करूं एग्रीमेंट की, तो एग्रीमेंट में देखिए एग्रीमेंट क्या कहता है, एन एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एज पर सेक्शन 2A एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज, जल्दी से बोलो, इज नोन एज एग्रीमेंट करके। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा बात को, यहां पे क्या लिखा गया है, प्रॉमिस का मतलब समझाया गया है, व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट दैट द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, कहना यह चाहता है कि हर एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो ऑफर होते हैं, दो एक्सेप्टेंस, कहने का तात्पर्य क्या, मैंने ऑफर दिया वो एक्सेप्ट हुआ, सामने वाले ने उसके बदले मुझे ऑफर दिया और मैंने वो एक्सेप्ट किया, तो ये बन जाता है क्या, ये तो दो डिफरेंट प्रॉमिस हुए, तो एक प्रॉमिस दूसरे के लिए जब कंसीडरेशन बनने लगे तो उसे हम लोग एग्रीमेंट कहते हैं, जबरदस्त तरीके से, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर मैं आपके साथ बात करूं बेटा कौन सी वाली चीज, उसके बाद अगर मैं आपके साथ बात करूं नेक्स्ट वाली चीज, तो जहां पे क्या मतलब निकलता है, जहां पे मतलब निकलता है एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। सर व्हाट डू मीन बाय एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब होता है एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट, तो एनफोर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जो जितने भी लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट होते हैं, अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन बेटा बदतमीजी करता है और कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता है, सुनना बात को, कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशंस को इज्जत नहीं देता है, ड्यूटी को इज्जत नहीं देता है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर उसको फटके मार के
अपन लोग क्या वसूल कर सकते हैं क्या कॉन्ट्रैक्ट को? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं सर। कहने का तात्पर्य यह है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट ऑफ लॉ में बिल्कुल अच्छी प्रकार से एनफोर्स कर सकते हो। क्या आपको यह चीज समझ गई? फटाफट बताएंगे मुझे क्या आपको यह चीज समझ में आ गई? यस सर। नेक्स्ट, उसके बाद मैंने आपके साथ बात किया था क्या कहानी अब तक की मैंने आपके साथ बात किया था जिसके अंदर कुछ नहीं पूरी पूरी चीजों को ही लिखा गया था यहाँ पे। फिर मैं आपके साथ बात करूंगा एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड चीजों के बारे में आपके साथ बात करूंगा। दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले मीनिंग में आप लिख लेना एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट करके। नेक्स्ट, उसके बाद अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बढ़िया। स्कोप की अगर बात करूं तो एग्रीमेंट का स्कोप ज्यादा होता है। एग्रीमेंट का स्कोप क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि इसके अंदर बेटा लीगल और सोशल टर्म्स दोनों मौजूद होते हैं। समझना, लीगल और सोशल। सोशल मतलब कौन सा? सोशल मतलब डोमेस्टिक। सोशल मतलब डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, दोनों दोनों चीजें इंक्लूड होती है। मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट नैरो सेंस में बेटा काम करता है। यहां पे केवल और केवल वही चीजें, वही कॉन्ट्रैक्ट जो लीगली एनफोर्सेबल होते हैं ना, केवल और केवल वही चीजें यहां पे काम में आती है। मैं अगर आपके साथ लीगल ऑब्लिगेशन की बात करूं तो एग्रीमेंट के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन हो भी सकता है, एग्रीमेंट के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं भी हो सकता। कुछ पक्का पक्का नहीं है, कच्चा पक्का है। पक्का पक्का नहीं है, कच्चा पक्का है। समझे आप बात को? पक्का पक्का नहीं है, कच्चा पक्का है। लेकिन अगर मैं आपके साथ बात करूं कौन सी चीज की, दूसरे लीगल ऑब्लिगेशन की, तो मैं अगर बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट्स। बेटा ध्यान रखना, जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना वो क्या होता है, हमेशा हमेशा लीगल ऑब्लिगेशन पक्के से क्रिएट करने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता कि लीगल ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट ने क्रिएट किया हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनता तभी है जब लीगल ऑब्लिगेशन मौजूद हो। अगर लीगल ऑब्लिगेशन मौजूद नहीं है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? नहीं बन सकता। फिर मैं आपके साथ बात करूंगा नेचर की, तो ऑल एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। लेकिन क्या ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट बन सकते क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। नेक्स्ट चलिए बात करेंगे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बेटा, जो नॉट गिवन इन सेक्शन 10 और दूसरा गिवन इन सेक्शन 10। ठीक है, तो गिवन इन सेक्शन 10 को अपन बाद में आराम से पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले अपन लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, नॉट गिवन इन सेक्शन 10 को पढ़ने वाले हैं। नॉट गिवन इन सेक्शन 10 की अगर मैं आपके साथ बात करूं, ध्यान सुनना, सुनना बात को, लेकिन पानी पी लेता हूं उससे पहले। आप भी पानी पी लीजिए, मैं भी पानी पी लेता हूं। जुलाई वालों कैसा लग रहा है आपको मॉड्यूल पूरी लर्न जब आपके माइंड में है तो? चलिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा बात का। सबसे पहली बात मैं अगर आपके साथ करूं तो सबसे पहला आता है बेटा टू पार्टीज करके। सर व्हाट डू यू मीन बाय टू पार्टीज करके? तो इसका मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मिनिमम दो पार्टीज की आवश्यकता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर दो पार्टीज नहीं होंगी तो मुझे आप एक बात बताएंगे, क्या एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड हम लोग कह सकते हैं क्या? हम लोग बिल्कुल बिल्कुल वैलिड नहीं कह सकते। लेकिन एक चीज सुनना, ये दो पार्टीज में से सर नेचुरल पर्सन होना जरूरी है क्या? नहीं बेटा, ये नेचुरल पर्सन हो भी सकता है, ये नेचुरल पर्सन नहीं भी हो सकता है। कहना ये चाहता हूं आपके साथ कि एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जैसे कंपनी, जैसे LLP, वैसे भी बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे केस लॉ आया था बेटा स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल SN कंपनी का। यहां पे हुआ क्या था कि रमनलाल SN कंपनी के जो पार्टनर्स है, अब रमनलाल SN कंपनी है ना लिक्विडेशन में चले गई थी बेटा। क्या चले गई थी? लिक्विडेशन में चले गई थी। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर रमनलाल SN कंपनी के जो असेट्स है बेटा वो उनके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो यहां पे जो ऑफिसर से गुजरात सरकार का जो ऑफिसर से बेटा वो क्या कहते हैं कि मैं इसके ऊपर टैक्स लगाऊंगा, मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगा बेटा, मैं इसके ऊपर टैक्स लगाऊंगा करके। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, क्या ये टैक्स लगाना वाजिब है? नहीं बेटा, पार्टनरशिप और उसके पार्टनर्स को तो जो दो जिसमें एक जान माना जाता है ना, क्योंकि वहां पे तो लीगल, वहां पे जो लाइबिलिटी होती है बेटा अनलिमिटेड होती है। मतलब पार्टनर्स और उनकी पार्टनरशिप एक ही ट्रीट की जाती है। समझे आप बात को? तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या कहते हैं बेटा कि स्टेट ऑफ गुजरात और रमनलाल SN कंपनी के इसमें ये बोला गया कि यहां पे दो अलग अलग पर्सन होना चाहिए। फिर फर्क नहीं पड़ता वो नेचुरल हो आर्टिफिशियल हो, लेकिन अलग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनका अस्तित्व अलग होना चाहिए बेटा, समझे, उनकी पहचान अलग होनी चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद अगर मैं बात करूं पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इसके लिए बहुत ही प्यारा सा केस लॉ देखा था बैल्फर वर्सेस बैल्फर। पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करो तो आपके कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। सर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि हमारा इंटेंशन, फिर
से रिपीट करता हूं मैं, हमारा इंटेंशन, फिर से रिपीट करता हूं मैं, हमारा इंटेंशन होना चाहिए बेटा कौन से चीज का, हमारा इंटेंशन होना चाहिए कौन से चीज का, लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ड्यूटी क्रिएट करने का। सर अगर हमारा इंटेंशन नहीं होता है तो क्या तो वो डोमेस्टिक एग्रीमेंट के कैटेगरी में जाता है? आपको पता है बेल्फर एंड बेल्फर वाला केस बेटा, हस्बैंड वाइफ सिलोन घूमने, हस्बैंड वाइफ सिलोन के होते हैं और कहीं बाहर जाते हैं बेटा घूमने के लिए, वहां पे वाइफ बीमार हो जाती है, हस्बैंड को वापस आना होता है, हस्बैंड कहता है कि मैं तुम्हें हर एक महीने क्या भिजवाऊंगा, हर एक महीने मैं आपको पैसे भिजवाऊंगा मेंटेनेंस के लिए, हस्बैंड नहीं भिजवाता है कुछ महीनों बाद। तो मुझे एक बात बताइए बेटा, वाइफ वाइफ यहां पे आपने देखा था सिलसिला बदलते रिश्तों का हो गया था, है ना? तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं कहूंगा, आप मुझे कहेंगे बेटा क्या वाइफ यहां पे हस्बैंड के ऊपर केस कर सकती है क्या? नहीं बेटा, नहीं नहीं बेटा, नहीं, क्योंकि पवित्र रिश्ता है, पवित्र रिश्ते में आप ऐसा एक दूसरे के ऊपर केस करोगे तो ये पवित्र अपवित्र हो जाएगा रिश्ता, तो हम बोलेंगे आप केस नहीं कर सकते करके, समझे बात को? जबरदस्त। तीसरा, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा वाला पॉइंट है बेटा ये, कि क्या होता है जब भी कोई दूसरे एक्ट में फॉर्मेलिटीज दे दी जाती है ना, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बोलता है हाँ हाँ वैसा ही, वही वही, वो जो कहा ना वो एक्ट ने वही वही करके, समझे आप बात को? ठीक है, हाँ। तो जैसे हम जैसे घूमने गए थे हम ट्राय, तो मैंने आपको बताया नहीं, कभी कभार बेटा प्रणव सर ऐसे बता देते थे हाँ हाँ ये वही वही जगह है, वही वही, है ना? तो वैसा है थर्ड पॉइंट में, हाँ ये वही वही है, वो एक्ट से ले लेना करके तुम, हाँ वैसा ही है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन के ये अदर फॉर्मेलिटीज, अगर कोई दूसरी चीजें है ना, तो एक काम कर लो, दूसरे एक्ट को थोड़ा सा फॉलो वॉलो कर लेना भैया। हाँ, पहले ही बता रहे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो एक जनरल एक्ट है, ये कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, लेकिन जो दूसरी चीजें है ना उसको बराबर साथ में लेके चलना, समझे आप बात को? साथ नहीं छोड़ूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, ऐसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बाकी सारे एक्ट को बोल रहा है बेटा। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं आपके साथ फोर्थ वाले चीज की, सर्टिनिटी मीनिंग का मतलब क्या होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट करो तो सर्टिनिटी का मीनिंग होना चाहिए उसके अंदर। अब मुझे आप एक बात बताइए, अर्पिता सक्सेना जी, अर्पिता सक्सेना जी को मान लीजिए बेटा, अर्पित जी, अर्पित कौन है पता नहीं, कहानी के सारी घटनाएं काल्पनिक है, इसका वास्तव जीवन से कोई संबंध नहीं है। अर्पित जी अर्पिता जी से कहते हैं तुम बस हां कर दो, चांद सितारे तोड़ के तुम्हारे कदमों में लाके रख दो करके, मुझे बताइए कि सर्टिनिटी हुई इसके अंदर? आप बताइए मुझे, क्या ये पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस है क्या? बताइए फिफ्थ पॉइंट के द्वारा, क्या ये पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस है बेटा? अर्पिता जी ऐसा अगर हुआ केस तो दो डालना उसको, धनाधन दो पे उसको, पहले लाके बता फिर आप बोलूंगी करके। ठीक है, मैं जस्ट एक टिप दे रहा हूं, बाकी और कुछ नहीं। फिर अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो सर्टेनिटी मीनिंग होना चाहिए, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो पता होना चाहिए। आप जा रहे हो दुकान में, कह रहे हो कि नहीं नहीं मुझे बिस्किट का पैकेट दो, वो पूछ रहा है आपसे कौन सा बिस्किट, नहीं आपके तो नहीं नहीं बिस्किट का पैकेट ही चाहिए करके। अब बताइए मुझे यार, आप बताइए मुझे, आप ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, आपको बताना होगा कौन से बिस्किट का पैकेट, मुझे गुड्डे चाहिए, अब गुड्डे में भी कौन सा मॉन्स मैजिक चाहिए, तो आप वो सब पूरी चीजें बताएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट सर्टन माना जाएगा। अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट सर्टन माना जाता है क्या? नहीं माना जाता है, बिल्कुल नहीं माना जाता है। मैं आता हूं गिवन इन सेक्शन 10 के अंदर, ध्यान दीजिएगा। गिवन इन सेक्शन 10 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि एक चीज ध्यान रखना, कान खोल के सुन लियो, सबसे पहले एग्रीमेंट का होना बहुत बहुत आवश्यक है। सर एग्रीमेंट मतलब वही क्या जो अपन ने अभी सेक्शन नंबर 2E में पढ़ा था, एवरी प्रॉमिस सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज नो, हां बस 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 वही है, वही है। ठीक है, वही है। उसके बाद मैं बात करूंगा फ्री कंसेंट की बेटा, फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? कंसेंट का मतलब होता है agreeing upon same thing in a same sense करके। अब ध्यान दीजिएगा सुनना, free consent का मतलब क्या होता है? एक particular इंसान जब भी अगर कोई decision ले, सुनना बात को, एक particular इंसान अगर जब भी कोई decision ले तो वो कैसा लेना चाहिए बेटा? freely लेना चाहिए, उस पे किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती होनी चाहिए कि उस पे किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, उसे कहा जाता है free consent करके। कब हम कहेंगे बेटा कि एक पर्टिकुलर इंसान फ्री कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? तब जब वो करता है CUFM के द्वारा, मतलब कोर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ये पांचों चीजें जब नहीं होती है तो हम कहते हैं कि यहां पे कंसेंट कैसा है? कंसेंट फ्री है करके, समझना बात को, यहां पे कंसेंट कैसा है? कंसेंट फ्री है। अब याद है कि आपको 13 में बेटा कंसेंट, 13 कंसेंट चाहिए तो 14 बोलता है फ्री कंसेंट देना, और 15 से वो लोग ये चीज की बात करते हैं बेटा कि कौन से इसमें लेटा देते हैं, हम फ्री कंसेंट नहीं देते। याद है आपको 13 कंसेंट चाहिए, 14 में फ्री कंसेंट की बात होंगी, और 15 16 17 18 बात करने वाला है CUFM के बारे में, 19 बात करना है consequences, और 19A बात करता है बेटा कुछ एक्स्ट्रा के बारे में, समझे आप बात को? अरे याद आ रहा है कि आपको कीर्तन की चीजें याद आनी चाहिए। हाँ, कीर्तन अपन ने ऐसे ही नहीं किए, ध्यान रखना, कीर्तन को अपन ने ऐसे ही नहीं करके रखे। हाँ,
आइए यहाँ पे मैं कंसेंट का यहाँ पे एग्जांपल दिया था आपको, और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज का मतलब ये होता है, बेटा सुनना बात को, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन की एबिलिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की। बताइए मुझे तो आप अगर आप कोई छोटे पर्सन के साथ, मतलब छोटे पर्सन इन द सेंस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हाइट वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बात कर रहा हूँ एज वाइज, ठीक है? अगर आप कोई ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसको आप बोलो एक छोटू चल चायला, तो ऐसे इसमें मुझे आप एक बात बताएंगे तो क्या आप उनके साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? मतलब मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मैं कहना ये चाहता हूँ आपके साथ कि कैपेसिटी होनी चाहिए बेटा कॉन्ट्रैक्ट करने की। तीन चीजों के द्वारा हम लोग बोल सकते हैं कि कैपेसिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की। सबसे पहला होता है बेटा एज ऑफ द मेजोरिटी। एज ऑफ मेजोरिटी का मतलब होता है 18 साल के ऊपर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है तो हम लोग कहेंगे मेजर होना चाहिए करके, इसे मेजर कहलाया जाता है। जब हम इसे मेजर कहते हैं तब जाके हम इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सेकंड अगर मैं बात करूं साउंड माइंड का होना चाहिए। साउंड माइंड का मतलब क्या है बेटा समझना है यहां पे। खुशी अग्रवाल ने बेटा वैक्सीन ली है, अब वो साउंड माइंड की नहीं है अभी के लिए, वो पर्टिकुलर स्टेज के लिए। खुशी को दुखी हो रही, खुशी दुखी हो चुकी है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं कहूंगा आप ये साउंड माइंड की नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। समझना, एक चीज ध्यान रखना, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज के तीनों पॉइंट आना चाहिए बेटा। ऐसा नहीं एक पॉइंट आया तो दूसरा नहीं आएगा, दूसरा है तो तीसरा नहीं, तीनों साथ साथ में होना चाहिए, साइमल्टेनियसली होना चाहिए। समझे बात को? पहला क्या कैपेसिटी 18 साल के ऊपर, दूसरा क्या साउंड माइंड का होना चाहिए, जब भी डिसीजन ले उसको दिमाग में होनी चाहिए। मुझे बताइए आप आमीजे तो मां, अगर कोई पर्सन को बेटा मान लीजिए अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आमीजे तो मां सुदुजे तो मां अगर हो रहा है तो क्या वो कैपेसिटी में आता है क्या? नहीं आता है, वो अनसाउंड माइंड कहलाया जाता है। वो समझना बात को, वो अनसाउंड माइंड कहलाया जाता है, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट बात कर लेता हूं आपके साथ, वो अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। मतलब कोई और लॉ, फिर से रिपीट करता हूं, कोई और लॉ इसको डिस्क्वालिफाई नहीं करना चाहिए। सर ये कोई और लॉ कौन से होते हैं? बहुत सारे होते हैं, जैसे मैं बताऊं आपको तो एलियन एनिमी, अगर आपके इंडिया का किसी के साथ झगड़ा है बेटा तो आप उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, फटके देंगी गवर्नमेंट आपको, उल्टा लटका देंगे, तनादन धोएंगी। समझे बात को? दूसरा फॉरेन सॉवरेंस, फॉरेन सॉवरेंस की अगर मैं बात करूं आपके साथ, कोई ऐसे ब्रांड एम्बेसडर्स लोग बेटा जो इंडिया में आके बसते हैं, समझना है तो वैसे ये है तो बाहर के लेकिन इंडिया में आके बस जाते हैं क्योंकि इनको अपने देश के लोग जो इंडिया में रहते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, जिसे बोला जाता है ब्रांड एम्बेसडर्स करके। समझे? तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? बोलो ना। अरे बोलते क्यों नहीं, फॉरेन सॉवरेंस करके। और कॉन्विक्ट्स की अगर बात करूं तो प्रूव्ड गिल्टी मान लीजिए बेटा किसी ने मर्डर 1 मर्डर 2 मर्डर 3 कर दिया है करके, तो एक चीज ध्यान रखना, मर्डर कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कोर्ट में वो जा रहा है बेटा, को पुलिस के गाड़ी में बैठ रहा है और उसने कॉन्ट्रैक्ट किया वो कर सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना जिस समय कोर्ट ने बोला कि नहीं तू तो प्रूव्ड गिल्टी है करके, नहीं तू ही जिसने मर्डर 1 मर्डर 2 मर्डर 3 किया, तो ऐसे सिचुएशन में मुझे बताइए क्या इमरान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? मतलब क्या कोई पर्टिकुलर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। समझ गए होंगे आप बात को। नेक्स्ट अगर मैं उसके बाद बात करूं, थोड़ा सा सारके से इन्वॉल्व, नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फोर्थ वाले चीज के कंसीडरेशन की मैं आपके साथ बात करूंगा। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? लुनाटिक का मतलब होता है जम के चढ़ाया हुआ। समझे बात को? जम से नेक्स्ट लेवल एकदम। मैं पानी की तो बात नहीं कर रहा था उसमें। हाँ अच्छा सुनिए बात को, अब मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ आपके साथ कंसीडरेशन के बारे में। कंसीडरेशन के लिए तो यूनिट नंबर 2 आपके सामने हाजिर है बेटा। यूनिट नंबर 2 क्या कहता है कंसीडरेशन का, ध्यान दीजिएगा, क्विड प्रो क्यू के बारे में बात करता है। मतलब क्या कहता है? चालू करें क्या? हो गया आपका? आपका अगर हंसना बंद हो गया होगा तो मैं आगे चालू करता हूँ फिर। चलिए आइए कंसीडरेशन की आपके साथ बात करता हूँ बेटा। कंसीडरेशन का मतलब होता है क्विड प्रो क्यू करके। क्विड प्रो क्यू का मतलब होता है कि कुछ तो भी तो कंसीडरेशन होना चाहिए ना यार, कुछ तो कंसीडरेशन होना चाहिए। अगर कुछ भी कंसीडरेशन नहीं रहा तो कैसे चलेगा? बताइए ना मुझे, कैसे चलेगा? नहीं चलेगा सर, कुछ तो कंसीडरेशन होना चाहिए। मतलब कोई वैल्यूएबल होना चाहिए इन सेंस ऑफ लॉ, जैसे कोई राइट मिला, इंटरेस्ट मिला, प्रॉफिट मिला, कोई बेनिफिट कुछ तो होना चाहिए एक पर्सन को, और दूसरे पर्सन को कोई नुकसान हुआ है बेटा, या कोई दूसरे पर्सन को फॉरबेरेंस हुआ, डिट्रीमेंटल लॉस हुआ, तो ऐसे सारे सिचुएशन में हम लोग कहते हैं इट इज नोन एज कंसीडरेशन करके। फिफ्थ पॉइंट का मतलब होता है लॉफुल कंसीडरेशन एन ऑब्जेक्ट। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जो कंसीडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए बेटा। समझना बात को। देखिए कोई चीज यहाँ पे हो सकती है अनलॉफुल होकर के, लेकिन कोई दूसरे जगह
पावरफुल हो सकती है। मतलब मान लो फॉर जस्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की तरह लीजिएगा, ठीक है। मान लो अजम्पशन पहले बोल रहा हूँ, साका नेपाल से बेटा, मान लो नेपाल में है ना ड्रग्स अलाउड है, ड्रग्स का ट्रेडिंग अलाउड है करके, अब उसके लिए तो लॉफुल कंसिडरेशन है लेकिन मेरे लिए तो अनलॉफुल हो गया ना, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर अनलॉफुल कंसिडरेशन कैसे ट्रीट करेंगे? तो इंडिया के हिसाब से ट्रीट करना, ऑब्वियस ही बात है, क्वेश्चन वेश्चन पूछ लेंगे तो इंडिया के हिसाब से ट्रीट करना, ठीक है। हाँ, उनके लिए कुछ भी हो लेकिन अपने लिए होना, वैसे इंडिया का ही पार्ट है, अनलॉफुल है वहां पे भी, लेकिन जस्ट एग्जाम्पल आपको पहले ही कहा मैंने, ठीक है। दूसरी चीज बताता हूँ, ऑब्जेक्ट भी आपका लॉफुल होना चाहिए। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बेटा सिद्धि जी को कि तुम दिन के 4 बटवे मारना, मैं तुमको 10,000 रुपए, बटवे इन द सेंस कि पर्स अपन मारते नहीं क्या, पर्स वाला अपन नहीं, मतलब जो लोग मारते हैं ना पर्स, उसको बोला जाता है बटवे मारना करके। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर आप दिन के चार बटवे मारोगे तो मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा, ये कैसा लॉ है बेटा, ये कैसा लॉ है आप ही बताइए मुझे, ऐसे लॉ अलाउड होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब पर्पस और कंसिडरेशन दोनों क्या है बेटा, अनलॉफुल है, इमोरल है। मतलब आप सोचिए कितना मॉरालिटी के अगेंस्ट है करके, समझे आप बात को। नेक्स्ट अगर उसके बाद मैं बात करूंगा 6 पॉइंट की, ध्यान दीजिएगा। 6 पॉइंट का मतलब ये होता है कि नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कुछ पर्टिकुलर चीजों को बोल के रखा है कि ये वाले अगर आप हरकतें करोगे ना तो हम आपको क्या बोलेंगे, यू आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड करके। जैसे मैं बताऊं आपको, तो आप मान लीजिए बेटा अर्चना जी बहुत ज्यादा फूडी है करके, तो उनको लगता है कि मैंने SBI में जॉब लगनी चाहिए मेरी। अब क्या क्यों लगता है सर, वो मैं नहीं कह सकता। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आप क्या करेंगे बेटा, आप क्या, अर्चना जी मैनेजर को सेटिंग कर रही है मैनेजर के साथ कि मैं आपको 1,00,000 रुपए दूंगी, आप एक काम करना आप मेरी जॉब लगवा दो मैनेजर में। तो मुझे एक बात बताइए, ऐसा चलता है क्या? क्या आप ट्रैफिक क्रिएट कर सकते हो पब्लिक ऑफिसेज में? आप नहीं कर सकते हो बेटा। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा बेटा बात को, मैं तो यहाँ पे not expressly declared as void होने चाहिए। मतलब कुछ हरकतें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि आप नहीं कर सकते बेटा, आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, समझे आप बात को। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। अब मैं उसके बाद बात करूंगा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। आप देख सकते हैं बहुत सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये बहुत सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला कौन सा आता है? सबसे पहला आता है बेटा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला कौन सा आता है फटाफट बताएंगे मुझे, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं बात करता हूँ आपके साथ। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस के दो बच्चे हुए, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटरी के और दो बच्चे हुए, यूनिलैटरल, बायलैटरल करके। ऐसे चार चीजें अपने को पढ़ना है इस पर्टिकुलर, तीन ही है वैसे, चार कहने के लिए बात है पर तीन ही चीजें। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ तो दो पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और जब वो दोनों पार्टीज ऑल पार्टीज जितने भी मौजूद है बेटा सबने अपना रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर लिया तो हम लोग क्या कहते हैं, इट इज नोन एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट करके। मतलब क्या, व्हेन ऑब्लिगेशंस आर डन अवे विद, समझना बात को, व्हेन ऑब्लिगेशंस आर डन अवे विद तो हम लोग कहते हैं इट इज नोन एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक्ट भी हो गया, एक्ट या फॉरबेरेंस जो करना था वो हो चुका है और उसके बदले जो कंसिडरेशन मिलना था वो हो चुका है करके, मिल चुका है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हम लोग इसे क्या कहते हैं, इट इज नोन एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड आता है बेटा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट को जनरली बोला जाता है पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट करके। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है फटाफट बताएंगे मुझे, पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। हां सुनिए बात को, बिल्कुल शिखा जी बिल्कुल है, सुनना बात को। इन एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट द एग्जीक्यूटरी जो कॉन्ट्रैक्ट है बेटा ये कौन से, ये पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। कौन से कॉन्ट्रैक्ट है, पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ आपके साथ तो सबसे पहले कौन सा होता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आता है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट करके। सर यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बेटा, आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो और आप बढ़िया पैकी धनाधन खाना टूस लिए, आपने अभी तक बिल नहीं दिया लेकिन सामने वाले ने आपको खाना दे दिया, मतलब सामने वाले का ऑब्लिगेशन बेटा पूरा हो गया लेकिन आपका ऑब्लिगेशन पेंडिंग है बिल पैसे देने का, तो ऐसे सिचुएशन में मैं इसे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहता हूं। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब दोनों का ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, मतलब जिस समय आपने ऑर्डर प्लेस किया होगा तो आप सोचिए अभी भी आपका पैसा देना पेंडिंग है और दूसरा अभी भी उसका खाना देना पेंडिंग है। मतलब रेस्टोरेंट वाला जब तक खाना नहीं देगा तब तक क्या मैं उसे पैसे दे सकता हूं, क्या तब तक मैं उसे पैसे नहीं दे सकता हूं? तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं क्या कहूंगा बेटा, दोनों पार्टीज के रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन पेंडिंग होते हैं तो उसे बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट करार कर दिया जाता है। क्या आपको यह चीज समझ में आ गई? जी हां, समझना बात को। जब एक तरफा होता है
जब एक तरफा होता है तो हम लोग कहते हैं इट इज अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, और जब बायलैटरल, बायलैटरल मतलब दोनों तरफा होता है, दोनों तरफा से पेंडिंग होता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग उसे बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं। अब मैं आपके साथ बात करूंगा नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स की। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी की बात करता हूं। सबसे पहला होता है बेटा कौन सा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, क्या प्रेजेंट होता है बेटा, ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर, उसे कहा जाता है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स का प्रेजेंट होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। सेकेंड, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो सारे कॉन्ट्रैक्ट बेटा जो पहले तो वैलिड होते हैं लेकिन उसके बाद अचानक से सर्कमस्टांसेस ऐसी हो जाती है कि अब वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स इनवैलिड हो जाते हैं। देखिए पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था लेकिन अब सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसी हो गई कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो चुका है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है, नॉट एनफोर्सेबल रह चुका है। मैंने आपको बताया था जब मैं कॉन्ट्रैक्ट किया था बेटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सुनना, मैं कॉन्ट्रैक्ट किया था पैसे दूंगा और पैसे के बदले मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे क्या चाहिए थे, ध्यान सुनना बात को, मुझे क्या चाहिए था, हाँ मुझे जो भी बोलो जुबा केसरी चाहिए था करके। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट आते हैं और कहती है रुको जरा सब्र करो करके, गवर्नमेंट बेटा बैन कर देती है बोलो जुबा केसरी को। तो मुझे आप एक बात बताइए, पहले जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो वैलिड था, लीगल था, सब कुछ था, तो पहले कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली वैलिड, उसके बाद सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, उसके बाद सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि अब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है बेटा, अब कॉन्ट्रैक्ट नॉट एनफोर्सेबल हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या कहेंगे, हम कहते हैं इस चीज को कि इट इज नोन एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा मैंने आपके साथ एग्जांपल लिया था, याद करना बेटा चीजों को, कौन सा, कि मैंने घोड़े का कॉन्ट्रैक्ट किया था, याद है आपको, यत्तु का घोड़ा था बेटा, ध्यान रखना यत्तु का घोड़ा था। ऐसे सिचुएशन के अंदर बेटा वो, मैं यत्तु के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तब घोड़ा जिंदा है, मस्त पे के दौड़ रहा है गार्डन में, लेकिन जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था हमें पता ही ना चला और स्टेबल घोड़े का स्टेबल अनस्टेबल हो गया और आग लग गई, समझना, और घोड़ा नहीं रहा, और घोड़ा नहीं रहा। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं कहता हूं बेटा इट इज नोन एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हम वो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कर रहे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया होता और घोड़ा एकदम परफेक्ट होता, मैं कहता हूँ एक काम करता हूँ, ये तो मैं ना कोई ट्रैक्टर वगैरह लेके आता हूँ जिसमें मैं घोड़े को लेके जाऊँ करके। अब मैं ट्रैक्टर लेने जाता हूँ और उतने देर में घोड़े को आग लग जाए, घोड़ा इन द सेंस की मतलब स्टेबल को आग लग जाती है तो और घोड़ा नहीं रहता है, तो यहाँ पे नुकसान मेरा होने वाला है, ध्यान रखना, यहाँ पे नुकसान किसका होने वाला है, यहाँ पे नुकसान मेरा होने वाला है, समझ लेना बात को। तो इट इज नोन एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले मैंने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात किया, फिर मैंने आपके साथ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात किया, अब मैं आपके साथ तीसरे एक चीज की बात करूंगा और वो है आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जब किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के पास ऑप्शन आता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कर भी सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकते। फिर से, जब किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को बेटा, जब कोई एक पर्टिकुलर पार्टी के पास ऑप्शन आता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर भी सकते हो और आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी कर सकते, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं कह देता हूं यह क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। फटाफट बताएंगे यह क्या हो जाता है बेटा, यह वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक पार्टी के पास ऑप्शन होना करके, समझे। और यह ऑप्शन केवल और केवल कब आ सकता है, जब CUFM द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया हो। CUFM मतलब कोअर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, जब आपके फ्री कंसेंट की बजाई गई हो बेटा, फिर से रिपीट करता हूं, जब आपके फ्री कंसेंट की बजाई गई हो, जब आपके फ्री कंसेंट की बजाई गई हो, तो मैं कह सकता हूं यहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो चुका है। क्या आपको यह चीज समझ में आ गई है, क्या आ गई है, क्या आ गई है, क्या, यस 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 यस। नेक्स्ट, वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो मीनिंग में आप लोग क्या लिखेंगे बेटा, मीनिंग में आप लोग एज इट इज डेफिनेशन लिखोगे। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वॉइड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है ड्यू टू चेंज इन लॉ या चेंज इन सर्कमस्टांसेस। चेंज इन लॉ का मतलब होता है, आपको याद है ना बिमल बेटा, बिमल बिमल केस में क्या हुआ था, यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट का लॉ चेंज हो गया था। चेंज इन सर्कमस्टांसेस मतलब घोड़े को आग लग गई थी, सर्कमस्टांसेस एकदम से बदल गए थे, तो ऐसे सिचुएशन में वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की आपके साथ बात करूं तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है बेटा, फटाफट बोलेंगे मेरे साथ, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट की ऐसी तैसी की जाती है। मतलब कॉज जो होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आखिर किसके कारण होते हैं, तो चेंज इन लॉ या चेंज इन सर्कमस्टांसेस। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से चीज के कारण होता है, जब कंसेंट की ऐसी तैसी की जाती है, समझना बात को, जब कंसेंट की ऐसी तैसी की जाती है तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ जाता है। अगर मैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं बेटा, तो मुझे आप एक बात बताएंगे, क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म
करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत है क्या? डिपेंड्स करता है बेटा। अगर एग्रीव्ड पार्टी के पास ऑप्शन होता है, अगर वो एग्रीव्ड पार्टी कहता है कि नो मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो। लेकिन एग्रीव पार्टी सुनना, अनलेस एंड अनटिल द थिंग आर अवॉइडेड, अनलेस एंड अनटिल द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेड, इट रिमेन्स वैलिड। मतलब जब तक पार्टी नहीं कहती, जब तक पार्टी ये नहीं कहती कि अब मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना चाहती हूं, तब तक समझना बात को, तब तक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तब तक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अरे बोलो, तब तक कॉन्ट्रैक्ट होता है परफेक्टली वैलिड करके। क्या आपको ये चीज समझी? जल्दी से बताइए मुझे क्या आपको ये चीज समझ गई मेरे प्यारे प्यारे मित्रों। भांजे, मैंने तुझे कहा था कि आप ये लैग नहीं करेंगे। सिंगे, ये देखो तनिष भाई का अलग ही चल रहा है, इस बार आरसीबी जीतेंगे करके। बढ़िया, बहुत बढ़िया तनिष भाई, आराम से तनिष भाई को उड़ाया जाए, क्या तनिष भाई को फना किया जाए? फटाफट बोलेंगे क्या बादलों में फना करेंगे कि नहीं करेंगे? मित्रों आप बताएंगे मुझे क्या बादलों में फना होंगे कि नहीं होंगे? जल्दी से बताएंगे मुझे फना होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? जल्दी से बोलेंगे बादलों में फना होंगे कि नहीं होंगे करके? होंगे, बोलो होंगे। हाँ सब लोग बोलेंगे होंगे। हाईली अनसर्टन कॉन्ट्रैक्ट की बातें कर रहे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। चलिए चलिए, जबरदस्त, मान ही नहीं रहे यहाँ पे हेमंत जी, अब तुम मत चालू हो जाओ यहाँ पे कि सीएसके जीतेंगे। हेमंत जी मान ही नहीं रहे, हेमंत जी कह रहे नहीं नहीं हम तो सीएसके को जिताएंगे। अरे यार कमाल है, यहाँ पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल में तुमको वो दिख रहे हैं, कमाल कर रहे हो, है ना। हाँ चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही उमदा खेल होता हुआ यहाँ पे। और तनिष भाई बूम, ठीक है चलिए आएंगे, ध्यान दीजिए सुनिएगा बात को। मैं आपके साथ अगर अब बात करने जा रहा हूं, मैं आपके साथ कौन सी चीज के बारे में, मैं अब आपके साथ बात करने वाला हूँ राइट से रिलेटेड। सर राइट्स का मतलब क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बेटा कोई राइट्स ग्रांट नहीं करता, कोई भी पर्सन को राइट्स ग्रांट नहीं होता। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो एग्रीव पार्टी है, जो दुखित पार्टी है बेटा, जो दुखी वाली पार्टी है ना, उसको राइट होते हैं अलोकेट, समझना, उसको राइट होते हैं। राइट कौन सा? राइट टू अवॉइड अ कॉन्ट्रैक्ट। राइट टू अवॉइड अ कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल बिल्कुल क्या होता है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल उसे मिलता है कहाँ पे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के कैटेगरी के अंदर। अब सुनना बात को, ध्यान दीजिएगा सुनिएगा बात को, अब मैं आपके साथ बात करूंगा एनफोर्सेबिलिटी से रिलेटेड। Enforceability का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, all void contracts cannot be enforced at all. Void contracts को आप बिल्कुल enforce नहीं कर सकते, लेकिन voidable contract को, unless and until बेटा aggrieved party उसको avoid करती है, क्या मैं उस चीज को enforce कर सकता हूँ? क्या बिल्कुल बिल्कुल enforce कर सकता हूँ, क्योंकि unless and until they are avoided, it remains valid. ध्यान रखना, it remains क्या? It remains valid करके। समझे आप बात को? फटाफट बताएंगे मुझे क्या आपको ये चीज समझी? Yes sir, बहुत ही जोरदार तरीके से। अब मैं आपके साथ बात करूंगा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड चीजें। सर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो वाली चीजें बेटा जहां पे लॉ फॉरबिड करता है। क्या कह रहा हूं मैं? जहां पे लॉ फॉरबिड करता है बेटा, उसे बोला जाता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट करके। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जनरली लॉ के अगेंस्ट चलता है, समझना बात को, लॉ के अगेंस्ट चलता है। अब सारे इलीगल एग्रीमेंट्स, कहने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन एक्चुअली वो एग्रीमेंट है, समझे? मतलब वो कहने के लिए बेटा, समझना, कहने को जश्न नहीं, कहने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन एक्चुअली वो एग्रीमेंट ही कह रहे। क्योंकि अगर कोई चीज इलीगल है तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकती है? उसमें वो एनफोर्सेबिलिटी वाला जो एलिमेंट है ना, पहले से मिसिंग होता है बेटा, समझे आप बात को? वो जो एनफोर्सेबिलिटी वाला एलिमेंट है वो पहले से मिसिंग होता है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं क्या कहूंगा, जल्दी से बोलो कि इलीगल एग्रीमेंट्स मतलब वो एग्रीमेंट जो पहले से वॉइड चलते हैं। अब सुनिएगा बात को, अच्छे से ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर डेफिनेटली वॉइड, बट ऑल वॉइड आर नॉट नेसेसरी इलीगल करके। अब डिफरेंस समझ लीजिए दोनों का। वॉइड एग्रीमेंट जो होते हैं वो बेटा जरूरी नहीं है कि इलीगल हो, लेकिन इलीगल एग्रीमेंट्स हमेशा हमेशा वॉइड होने वाले। ध्यान रखना, जब भी आप कोई गलत चीज करते हो तो हमेशा नॉट एनफोर्सेबल होंगे, लेकिन अगर कोई गलत चीज करते हो जो लॉ के अगेंस्ट नहीं है, या गलत चीज हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या कहेंगे? इट इज नॉट इलीगल। नेक्स्ट अगर बात करूं तो फॉरबिड कौन सी चीज होती है? Forbidden by law का मतलब होता है बेटा जिसे law ban करता है। तो illegal agreements को law ban करता है। Void agreements की अगर मैं बात करूं तो they are not forbidden by law।
तीसरी पनिशमेंट आपको कहां पे मिलती है बेटा, इलीगल एग्रीमेंट्स के केस में आपको पनिशमेंट मिलती है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको पनिशमेंट मिलती है, यहां पे आपको पनिशमेंट नहीं मिलती है, क्योंकि आपके हाथ में कंट्रोल नहीं होता बेटा। आपके हाथ में कंट्रोल होता है इलीगल एग्रीमेंट्स के अंदर, तो इलीगल आपके पास अगर कंट्रोल दिया गया है तो आपको पनिशमेंट भी हम लोग दे सकते हैं, लेकिन आपके पास कंट्रोल नहीं है तो कैसे पनिशमेंट है आप ही बताएं मुझे। कोलैटरल एग्रीमेंट की बात करूंगा, समझना बात को, वॉइड एग्रीमेंट से रिलेटेड अगर कोई कोलैटरल एग्रीमेंट होता है तो वो वैलिड होता है, इलीगल एग्रीमेंट रिलेटेड अगर कोई कोलैटरल होता है तो वो ऑलवेज वॉइड होता है। लेकिन समझना बात को, यहां पे अगर जेन्युइन वाली चीजें है, यहां पे अगर जेन्युइन वाली चीजें है ना, सुनना क्या क्या रहा हूं मैं, यहां पे अगर जेन्युइन वाली चीजें है ना, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर इलीगल एग्रीमेंट्स वाले क्या वॉइड होते हैं क्या नहीं होते, वो वैलिड हो जाते हैं, फिर जेन्युइन चीज होनी चाहिए। अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसी चीज है बेटा जिसके अंदर थोड़ा सा जो एलिमेंट होता है ना, समझना, ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड, अदरवाइज इट इज अ परफेक्टली वैलिड, बच्चा समझना बात को, अदरवाइज इट इज अ परफेक्टली वैलिड। नेक्स्ट मैं आपके साथ बात करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड बात करूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में सबसे पहला क्या आता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें टर्म्स आर एक्सप्रेस इन वर्ड्स या राइटिंग में, एक तो बोला नहीं तो लिख के दिया, बोला नहीं तो लिख के दिया, मैंने आपको बताया था। एक तो बेटा ओरली बोलेंगे यहां पर हमारे एमवी सर, एक तो ओरली बोलेंगे या रिटर्न फॉर्म में बोलेंगे, लव लेटर देंगे, जो करना है करो, बस सिंपल सी बात यह है कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ जाता है। मतलब क्या, वर्ड्स हो या राइटिंग में हो, वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब मैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये कैसे आता है, बाय इंप्लीकेशन के थ्रू आता है। इंप्लीकेशन का मतलब होता है ना हमने कुछ कहा ना तुमने कुछ कहा, फिर भी बेटा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ जाता है। मतलब वेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड अदरवाइज दैन इन वर्ड्स, मैं क्या कह रहा हूं, वेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड अदरवाइज दैन इन वर्ड्स, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर इट इज नोन एज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। समझना, कूली वाला एग्जांपल था बेटा, कूली आया मुझे देखता है हमें और सामान उठा के, कभी वो आगे आगे, कभी मैं आगे आगे, कभी वो आगे आगे, कभी मैं आगे आगे, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं कहना ये चाहता हूं आपके साथ यहां पे कि ये जो कूली वाला एग्जांपल था, क्या मुझे कूली को पैसे देने होंगे, जी हां सर आपको बिल्कुल बिल्कुल देने होंगे। उसके बाद मैंने बात किया था टैसिट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, मतलब वो सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बेटा, ये पूरे पूरे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट, समझे आप बात को, साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान रखना सुनना बात को, साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, कोई बस जा रही है बेटा जिसके ऊपर लिखा है नागपुर पुणे करके, नागपुर पुणे करके लिखा है, वो शिवनेरी है, ठीक है, आप वो शिवनेरी में चढ़ जाते हो और आप बोलते हो शिवशाही, सॉरी शिवनेरी नहीं शिवशाही, तो शिवशाही में आप बढ़िया बैठ के बैठ गए और उसके बाद बेटा वो भगाया जा रहा है, आप उसको बोल रहे हो नहीं नहीं मेरे को औरंगाबाद में उतार, ऐसे कैसे उतार, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट सुनना बात को, जब उसके ऊपर लिखा है कि नागपुर से पुणे, तो वो पुणे में ही रुकेंगे, वैसे तो आपको रोक देते हैं, लेकिन जब टिकट कटती है ना बेटा, तो पूरे पूरे पुणे की कटती है, समझना बात को, आप बोल रहे हो औरंगाबाद में उतार, आप बोल रहे हो बीच में नासिक, हाँ बिल्कुल, नो नो मींस नो, जहां पे लिखा है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट मतलब साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट जो आप कर लेते हो बेटा। मुझे आप एक बात बताइए, आप बस के ऊपर चढ़ जाते हो और फिर बोलते हो मैं टिकट नहीं दूंगा, मुझे बताइए कंडक्टर आपको लेटा लेटा के धो सकता है क्या, बिल्कुल धो सकता है बेटा, मतलब इन द सेंस कि आपसे टिकट वसूल कर सकता है, क्योंकि आपने साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपने टैसिट कॉन्ट्रैक्ट किया है, समझे आप बात को। आप बैंक में जाते हो, आप एटीएम से कहते हो, अगर आपके एटीएम में, सुनना बात को, पहली कंडीशन आपके एटीएम में पैसे होने चाहिए, ठीक है, तो आप एटीएम में कार्ड इंसर्ट करने के बाद क्या आपको पैसे मिलते हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल मिलते हैं, समझना बात को, बिल्कुल मिलते हैं, एकदम तबीयत से मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस चीज को बोला जाता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई, यस सर। फिर मैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूं, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना ऑफर है ना एक्सेप्टेंस है, फिर भी यहां पे लीगल ऑब्लिगेशन है, लेकिन ये जो लीगल ऑब्लिगेशन है ये हम और आप जैसे मैंगो पीपल नहीं लाते, हम और आप जैसे मैंगो पीपल नहीं लाते बेटा, मैं बताऊं कौन लाता है इसे, मैं बताऊं आपको, लॉ इस पे इंपोज करता है, मुझे बताइए बेटा ये प्राची जी, ये समझना बेटा, प्राची जी ये है, ठीक है, ये प्राची जी एक हो गई और एक दूसरी प्रीति है। अब प्रीति के घर पे बेटा फ्रूट्स डिलीवर करना था, प्राची के घर पे डिलीवर हो जाते हैं, प्राची जी भकाबक चीजें खा लेती है। अब मुझे एक बात बताइए, प्राची जी को पैसे देने होंगे कि नहीं देने होंगे, फटाफट बताइए, देना होगा, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहता है देना होगा, क्योंकि आपने एंजॉय किया ना चीजों को, सर्विसेस को एंजॉय किया ना आपने, अब चुपचाप पे कर देना, क्योंकि अब आपका लॉ के द्वारा ऑब्लिगेशन आता है बेटा, लॉ इंपोज करता है आपके ऊपर ऑब्लिगेशन, चलो पे करो वरना हम बट के देंगे तुमको, ठीक है। फिर आता है ई कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जमाना है एलपीजी का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो ऐसे सिचुएशन में इन नंबरेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं दिनों में, ठीक है। कभी कभार अमेरिका में बेटा पर्सन क्या अमेरिका से इंडिया आएगा, वो चार पन्ने को साइन कराने के लिए नहीं, आपके कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ऑनलाइन साइन हो जाते हैं, वो सब कुछ आजकल चीजें ऑनलाइन हो जाती है, तो उस चीज को बोला जाता है ई कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या बोला जाता है? ई
कॉन्ट्रैक्ट्स बोला जाता है। अब मैं उसके बाद आपके साथ बात करूंगा कौन से चीज से रिलेटेड, अब मैं आपके साथ बात करूंगा प्रपोजल या ऑफर से रिलेटेड एज पर सेक्शन 2A। समझना बात को, ये हमारा आखिरी पर्टिकुलर टॉपिक होगा आज का। डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल या ऑफर की अगर मैं बात करूं तो जब एक पर्टिकुलर पर्सन सिग्निफाई करता है उसकी विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू, मतलब उसके कुछ करने की या कुछ ना करने की इच्छा को बेटा वो बताता है दूसरे पर्सन को, और ये सोच के बताता है कि सामने वाला पर्सन मेरी ये इच्छा के मेरी ये इच्छा को सम्मान देगा, मेरे इच्छा के अनुसार मेरे साथ काम करेगा, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या कहते हैं, इट इज नोन एज अ ऑफर या प्रपोजल। इट इज नोन एज व्हाट, जल्दी से बोलो, इट इज नोन एज व्हाट, ऑफर एंड प्रपोजल करके। क्या आपको ये चीज समझ गई, जल्दी से बताइए मुझे क्या आपको ये चीज समझ गई। तो प्रपोजल एंड ऑफर कहता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइजेस टू अनादर, सिग्निफाइज का मतलब होता है बताना या जताना, टू अनादर उसकी इच्छा, विलिंगनेस टू डू मतलब कोई एक्ट करना, या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मतलब कुछ नहीं करना, एनीथिंग, किस व्यू से, कि सामने वाला बेटा उसको क्या दे, अप्रूवल दे, सामने वाला उसको क्या दे, अरे बोलो ना क्या दे, अप्रूवल दे। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं क्या कहता हूं बेटा, मैं कहता हूं कि इस चीज को क्या बोला जाता है, इस चीज को ऑफर बोला जाता है। क्या आपको ये चीज समझी। एसेंशियल्स ऑफ ऑफर की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट ये कहता है बेटा कि जो पर्सन ऑफर दे रहा है उसे क्या बोला जाता है, प्रॉमिसर या ऑफरर बोला जाता है। जिस पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर दिया जाता है उसे प्रॉमिस या एक्सेप्टर बोला जाता है। एक पर्टिकुलर वैलिड ऑफर के लिए अगर मैं बात करूं तो कुछ करना या कुछ ना करना भी बिल्कुल बिल्कुल ऑफर हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो ऑफर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, मतलब कुछ करना भी ऑफर हो सकता है, कुछ करना भी ऑफर हो सकता है। मैं यहां पे बेटा समझना बात को, मैं सिद्धि जी को बोल सकता हूं, समझना सिद्धि जी को मैं बोल सकता हूं कि तुम कुछ है ना एक काम करना, तुम बटवे मत मारना तो मैं तुमको 1000 रुपए दूंगा करके, समझे आप बात को, समझे आप बात को। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर अब सिद्धि जी को आदत है बटवे मारने की, तो मैं कह रहा हूं आप बटवे मत मारना, मैं आपको 1000 दूंगा। तो कुछ ना करने के लिए भी ऑफर बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि आपको यह चीज समझी। यस सर, जबरदस्त तरीके से हमको यह चीज समझी, मतलब ऑफर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दोनों चीजें हो सकती है। और आखिरी वाली बात बेटा, ऑफर क्या होना चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए, समझना, ऑफर क्या होना चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए सामने वाले पर्सन की टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कहना ये चाहता हूं मैं आपके साथ, कहना मैं आपके साथ ये चाहता हूं कि आपको यहां पे क्या करना होगा बेटा, आपको यहां पे सामने वाले पर्सन का असेंट लेना होगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मेरी इच्छा होनी चाहिए आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की और उस पे सामने वाले को असेंट देना होगा, तो उस चीज को क्या बोला जाता है, विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू थिंग्स करके। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर में अपन ने सबसे पहली चीज देखा था बेटा जनरल ऑफर। जनरल ऑफर का मतलब क्या होता है, जनरल ऑफर का मतलब होता है जब पब्लिक एट लार्ज को, सुनना बात को, जब मैं पब्लिक एट लार्ज को ऑफर देता हूँ, भाइयों मित्रों बहनों आप सबको ऑफर दिया जाता है, तो पब्लिक एट लार्ज को और कोई भी पर्सन उसे एक्सेप्ट कर सकता है, एनी वन कैन एक्सेप्ट इट, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर वो जनरल ऑफर की कैटेगरी में आ जाता है। मान लीजिए जैसे कारगिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी का केस हुआ था, कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी ने न्यूज़पेपर में बेटा दिया था कि अगर जो हमारे स्मोकिंग बॉल्स को एक दिन में एक कंज्यूम करता है, डे टाइम में कंज्यूम करता है, और जिसका दिल टूटा हुआ होता है, मतलब ये मैंने कंडीशन डाला हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे कि उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और गलती से अगर उसे इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो £100 वो आके हमारे बैंक में कलेक्ट कर सकता है, देखो हमने बैंक में अलग से डिपॉजिट करके रखा है, जबरदस्त बहुत बढ़िया। कार्लिल आंटी बेटा मानी नहीं, कार्लिल आंटी मानी नहीं, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं आपको एक बात बताऊं, कार्लिल ने क्या किया, कंज्यूम किया स्मोक बॉल को और उसे इन्फ्लुएंजा हो जाता है, वो बीमार हो गई। अब वो £100 बेटा क्लेम करना चाहती है कंपनी से, तो मुझे आप एक बात बताएंगे क्या वो क्लेम कर सकती है, जल्दी से बताएंगे मुझे क्या वो क्लेम कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल वो क्लेम कर सकती है, समझना, बिकॉज इट वॉज अ जनरल ऑफर। जब कोर्ट ऑफ लॉ में डिसीजन पहुंचा तो कोर्ट ऑफ लॉ कहता है कि अरे कार्गिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का जो केस था, तो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी तुम्हारा इंटेंशन था परफॉर्म करने का, तभी तो तुमने £100 अलग बैंक में डिपॉजिट किए, नहीं तो तुम अलग बैंक में डिपॉजिट करते क्या, नहीं करते ना, चलो £100 दो, चलो आंटी को जल्दी से जो £100, बेचारी इतनी रो रही है करके बताइए मुझे, ठीक लगता है ऐसा, ठीक लगता है। और मेरे राज्य में बेटा अन्याय हो, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है ऐसा। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हम लोग बोलेंगे कि ये वॉज द केस जहां पे जनरल जनरल ऑफर वाली चीज कंप्लीट हो जाती है। जनरल या स्पेसिफिक, स्पेसिफिक ऑफर की अगर मैं बात करूं, स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर की मैं बात करूं, तो जो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को बेटा ऑफर दिया जाता है, सुनना बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, जब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर दिया जाता है तो उसे बोला जाता है स्पेशल ऑफर। उसे क्या बोला जाता है, स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर बोला जाता है। जैसे बोल्टन वर्सेस जोन्स का एक केस लॉ हुआ था, याद है,
याद है कि आपको ब्रोकन से बेटा बिजनेस परचेस किया गया था, और वहां पे मैं आपको एक बात बताऊं, और वहां पे बोल्टन जोन्स के साथ धंधा करना चाहता है, लेकिन जोन्स नहीं करना चाहता क्योंकि जोन्स केवल और केवल ब्रोकन के साथ धंधा करना चाहता है। तो वो सिचुएशन आया था स्पेशल ऑफर के अंदर कि जिसकी जिसकी मैंने बात किया था बेटा वही पर्टिकुलर पर्सन के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, अदर मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। क्या आपको ये चीज समझी? बताइए मुझे क्या आपको ये चीज समझी? यस। क्रॉस ऑफर का मतलब होता है जब मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को ऑफर दे रहा हूं और बदले में वो मुझे ऑफर ही दे रहा है, और हम दोनों बिल्कुल सेम ऑफर दे रहे हैं। सेम ऑफर क्या कह रहा हूं मैं? आइडेंटिकल कहना चाहता हूं मैं आपके साथ। बिल्कुल हम लोग सेम ऑफर दे रहे हैं, आइडेंटिकल ऑफर दे रहे हैं, और हमें पता ही नहीं है कि हम एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर दे रहे हैं करके। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं कहता हूं बेटा ये क्रॉस ऑफर हो जाता है। काउंटर ऑफर का मतलब ये होता है, काउंटर ऑफर का मतलब होता है कि मैंने आपको ऑफर दिया लेकिन बदले में आपने उसमें कुछ चुटपुट चेंजेस किए, समझना बात को, आपने कुछ चुटपुट चेंजेस किए, तो उस सिचुएशन में वो काउंटर ऑफर होता है। जब आप आइडेंटिकल ऑफर देते हो तो क्रॉस जाता है, लेकिन जब आप उसके अंदर चुटपुट करके चीजें देते हो जैसे नेगोशिएशंस करते वक्त, तो वो काउंटर ऑफर की कैटेगरी में चला जाता है। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? फटाफट बताइए मुझे क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? यस। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से हमको ये चीज समझ में आ चुकी है। अब मैं आपके साथ जो बात करने जा रहा हूँ बेटा वो है कौन सा? स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर या कंटिन्यूइंग या ओपन ऑफर का मतलब क्या होता है? आप जब किसी सामने वाले पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर देते हो और वो ऑफर बेटा स्टैंडिंग होता है, वो ऑफर स्टैंडिंग होता है मतलब क्या? वो ओपन होता है एक पर्टिकुलर पीरियड के समय के लिए, और वो अगर पर्टिकुलर पीरियड में उसे कोई भी पर्टिकुलर पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब देखिए इट इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इस चीज को जो भी वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में एक्सेप्ट कर लेता है उस चीज को क्या बोला जाता है? स्टैंडिंग ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर या ओपन ऑफर उसे बोला जाता है। समझना बात को। टेंडर्स आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट? स्टैंडिंग ऑफर। टेंडर्स आर एग्जांपल ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। क्या आपको ये चीज समझी? अरे बोलो ना मेरे साथ, क्या आपको ये चीज समझी? बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपको ये चीज समझ में आ चुकी है, राइट? क्या मैं मुझे एक बात बताएंगे, क्या मैं यहां पे रोक दिया जाए कि आगे बढ़ा जाए? आप बताएंगे वैसा करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गजब, ये तो बेटा ये तो 0.7x स्पीड है। आज जो शाम का सेशन है वो 1x पे चलने वाला है, वो मेरे 1x पे, ठीक है? आपके लिए ये 0.7x है, अभी जो चल रहा है ना ये 0.7x है, लेकिन जो शाम वाला होने वाला है सेशन, ओ माय गॉड, वो 0.1x, मतलब वो 1x पे मेरे को जाना है। तो आई डोंट नो क्या स्पीड होने वाली है वो सेशंस की, क्योंकि 5 घंटे के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट टैग करना है, मतलब आप एक चीज समझना क्या मजा आने वाला है। समझे आप बात को? हाँ चलिए, इसलिए मैंने उसको पार्ट पार्ट में किया हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा बात को, मैं आपके साथ क्या कहने जा रहा हूँ। असेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर करवाता हूँ मैं आपको, ठीक है? असेंशियल्स और वैलिड ऑफर करवा दूंगा एंड देन उसके बाद मैं इस चीज को कंप्लीट करवा दूंगा। वैसे वो बहुत बड़ा है असेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर, पर ठीक है कुछ पार्ट तक हम लोग तो कर ही सकते हैं असेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर को, ठीक है? आ जाइए, सुनो मेरी बात, हाँ आगे जा रहा हूँ भाई, आगे जा रहा हूँ मैं बस। चलिए सुनिए, मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ असेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर से रिलेटेड। सर व्हाट डू यू मीन बाय असेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर? असेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में आपको क्या होना चाहिए बेटा? सबसे पहला पॉइंट, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। क्या कह रहा हूँ मैं? इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। व्हाट डू मीन बाय इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन? इसका मतलब ये होता है बेटा कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो लीगल रिलेशनशिप को अराइज होना चाहिए। सर लीगल रिलेशनशिप को अराइज होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ आस्था शर्मा जी के साथ, तो ऐसे सिचुएशन में मैं जब उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँ तो लीगल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब कल चल के अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया तो मैं उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में ले जा सकूँ करके, उसको बोला जाता है लीगल रिलेशनशिप को अराइज करना, है ना? तो ऐसे सिचुएशन, अब ध्यान देना, अब सुनना बात को आप लोग।
अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है एक फादर और सन के बीच में, जिसमें फादर कहते हैं कि तू बेटा एक काम कर, 390 के ऊपर लाना, 390 के ऊपर लाना, मैं तेरे को क्या देंगा, समझना बात को, मैं तेरे को एक ऑडी गिफ्ट करेगा करके, ऑडी और बाकी चीजें गिफ्ट करेगा, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पे जो इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन है ना बेटा, वो पॉइंट मिसिंग हो जाता है, मतलब वो सोशल इन्विटेशन की कैटेगरी में चला जाता है। सेकेंड पॉइंट की बात करता हूँ, इट मस्ट बी सर्टन डेफिनेट एंड नॉट वीक की बात करता हूँ आपके साथ। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट करो ना, ये वेग नहीं होना चाहिए। वेग नहीं होने का मतलब आपको याद है ना, फिर ऑफर 100 क्विंटल ऑफ ऑयल, याद वाला है आपको, ये वाली चीज याद है, 100 क्विंटल आप ऑयल के बारे में कॉन्ट्रैक्ट करो, लेकिन पता नहीं है कौन सा ऑयल, बालों में लगाने का ऑयल, खाने का ऑयल, कौन सा ऑयल, अरे बात तो करो, तो वो सर्टेन डेफिनेट एंड नॉट वेग वाले कैटेगरी में आता है। तीसरा, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफर ही। अगर आप अपने ऑफर की बात कर रहे हो तो वो ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए बेटा ऑफर ही के साथ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी का केस याद करना बेटा। नेफ्यू को जाता है, गौरी दत्ता जी बोलती है मार्केट के अंदर कि बेटा 5 लाख रुपए दूंगी उन सारे पर्सन को जो नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा, लेकिन नानमन शुक्ला पहले ही नेफ्यू को ढूंढने के लिए निकल जाता है, उसको पता भी नहीं होता कि 5 लाख जैसा कुछ ऑफर दिया गया है मार्केट में। जब वो बच्चे को ढूंढ के लाता है, नेफ्यू को ढूंढ के लाता है, तो आप मुझे एक बात बताएंगे, क्या 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 लालमन शुक्ला क्लेम कर सकता है बेटा? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, लालमन शुक्ला बिल्कुल भी अमाउंट को क्लेम नहीं कर सकता। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं क्या कहूँगा, जल्दी से बताइए, ऐसे सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या कहेंगे बेटा कि लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता का केस लॉ कहता है कि आप वो चीज़ को क्लेम नहीं कर सकते, बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकते। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप उस चीज़ को क्लेम नहीं कर सकते। क्या आपको ये चीज़ समझी? फटाफट बताएंगे मुझे कि आपको ये चीज़ समझी। यस यस यस, बहुत बढ़िया। बस आज के लिए इतना ही रुकता हूँ मैं, क्योंकि कल आज शाम में भी हमको सेशन लेना है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें करवाना है फास्ट में, ठीक है, और अभी हमारा टाइम भी होते हुए आ रहा है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलता हूं मैं आपके साथ कब, आज तो सैटरडे था, तो अब मैं सीधा मंडे को 9 AM को मेरा लेक्चर रहने वाला है बेटा फॉर नवंबर स्टूडेंट्स, राइट। तो होप सो आप लोगों को ये रिविजन बहुत ही मजेदार लगाऊंगा, इसका जबरदस्त वाला पार्ट टू हम लोग बाद में लाते हैं, जिसमें हम लोग और आगे का अच्छा खासा रिविजन करने वाले, राइट। चलिए आज के सेशन को एंड करते हैं। एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो आप डाउनलोड कर सकते हैं अकेडमी का लर्निंग ऐप, आप वहाँ पे कोड यूज कर सकते हैं इंद्रेश IG सर, IG10 मेरा कोड नहीं है, इंद्रेश IG सर आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, और आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जो आपको मिलता है वो मिल जाता है, राइट। प्लस की अगर बात करूँ तो लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता ही है प्लस के ऊपर, और इसके अलावा आइकॉनिक में तो बेटा पर्सनल गाइडेंस, प्रिंटेड बुक्स और ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है। प्लस की अगर बात करेंगे यहाँ पे तो आप प्लस या आइकॉनिक कोई भी ले, सिर्फ नॉर्मल फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन तो आप यहाँ से ले सकते हैं, इंद्रेश IG सर करके आप कोड डालेंगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाता है। यहाँ पे जिस वीडियो जो अभी चल रहा है बेटा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में फाउंडेशन और इंटरमीडिएट साथ में आप लोग ले सकते हो, और 24 मंथ्स का अगर आप प्लस लेते हो तो इट इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव चीज, बेस्ट चीज एवर, राइट। तो आप यहाँ पे IG सर या इंद्रेश कोड लगा के आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल सकता है बेटा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के अंदर, इंद्रेश या IG सर, INDRESH या IG सर करके आप कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाता है। सेम उसी प्रकार से कॉम्बो का कॉनिक भी अवेलेबल है और आप उस चीज को बिल्कुल अवेल कर सकते हो। मैं अन अकेडमी के कॉम्बैट स्कॉलरशिप की बात करूं बेटा तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, सुनना बात को, रैंक 1 से रैंक 200 तक आपको स्कॉलरशिप मिलती है, उसके डिस्क्रिप्शन भी गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताया गया है कॉम्बैट के बारे में, आप फटाफट जाएंगे कॉम्बैट को एनरोल कर लेंगे IG सर इंद्रेश कोड लगा के, और इसी पर्टिकुलर संडे को बेटा कॉम्बैट होने वाला है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे अमेजिंग रिवॉर्ड्स हो सकते हैं जो आप बिल्कुल देख सकते हो इस चीज के बारे में। राइट नाउ एक बहुत प्यारा सा ऑफर चल रहा है कि जब भी आप 12 मंथ्स का कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 2 मंथ्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, मतलब पेमेंट भरो 12 मंथ्स का आपको मिलता है बेटा, उसके जगह आपको कितना मिलता है 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलता है। तो फटाफट ये सब्सक्रिप्शंस को अवेल कर लीजिए, और मुझे अगर आपने अभी तक अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर फॉलो नहीं किया तो फटाफट फॉलो कर लीजिए, unacademy.com/@CAIndresh अगर आप टाइप करते हो तो सीधा मेरा प्रोफाइल खुल जाता है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस लेक्चर को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना बेटा, और सब्सक्राइब करना इस पर्टिकुलर चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। थैंक यू सो मच सेकेंड गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखेंगे सब लोग, और उसके बाद आपके लिए आज एक बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशनल सेशन लाया है, और आपने अगर वो मोटिवेशनल सेशन नहीं देखा तो फटाफट जाइए इसी पर्टिकुलर चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मोटिवेशनल सेशन मिल जाएगा, मतलब इसी चैनल पे आप सर्च करेंगे, जैसे आप इसी चैनल पे सर्च करेंगे तो देखिए मोटिवेशनल सेशन आप लोगों के लिए रहा है बहुत ही जबरदस्त वाला, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, मिलता हूं मैं आपके साथ कब, मिलता हूं मैं आपके साथ मंडे को 9 AM, क्योंकि आप जानते हो कि रोज सुबह 9 AM तो मैं YouTube के ऊपर आता हूं, चाहे दुनिया